नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे NR और LTE क्या होता है। अगर आपने मोबाइल का जो सेटिंग है वहाँ पे आप नेटवर्क सेटिंग मोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको NR, LTE, 3G, 2G सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे आखिर NR क्या होता है, LTE क्या होता है और 3G 2G जो है कैसे इसमें काम करता है, ये क्या क्या होता है, ठीक ना। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों NR, LTE जो होता है उसे हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं साधारण भाषा में। तो सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करते हैं। अभी अपना मोबाइल में अगर पूरा देखना हो तो आप इस तरह सेटिंग को ओपन करोगे और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ पे आपको कनेक्शन सेटिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। इन कनेक्शन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अगला जो स्टेप है इस तरह लिखा हुआ आएगा, देख सकते हो। जहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ रहता है यहाँ पे देख सकते हो, मोबाइल नेटवर्क पे आपको टैप करना है। जैसे इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे नेटवर्क मोड जो लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सारे सेटिंग जो है यहाँ पे आ गया है, देख सकते हो। यहाँ पे जैसे पहला जो है 5G LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, दूसरा जो है LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, और दूसरा है उसके बाद तीसरे नंबर में है 3G एंड 2G, और एक है 3G और एक 2G और एक LTE ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो सिम था वो 2G था। अगर आपके पास VA का सिम कार्ड है या फिर जो भी मोबाइल है या फिर एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप 2G 3G को रख सकते हो। बहुत पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, फिर आपका 4G हुआ। तो जो 5G जो होता है वो NR, कई कोई मोबाइल में NR लिखा हुआ आता है। जो 5G का जो सेटिंग होता है वो NR लिखा हुआ रहता है, और जो 4G जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर LTE लिखा हुआ रहता है। अगर आपको सिर्फ LTE रखना है तो LTE टैप कर दोगे तो आपका मोबाइल में सिर्फ 4G का ही नेटवर्क आएगा, और अगर 2G सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ 2G का नेटवर्क आएगा, और 3G सेलेक्ट करोगे तो 3G का नेटवर्क आएगा। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो 5G LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट अगर रहे मेरा मोबाइल में तो उसे उस तरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ चाहते हो 4G अगर रखना चाहते हो तो 4G पे यहाँ पे टैप करके रख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि NR जो होता है वो 5G होता है और LTE जो होता है वो 4G होता है। आप अपने अनुसार अपने मोबाइल में जो सेटिंग है उसे आप रख सकते हो और इसका इंटरनेट चला सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। इस तो और भी 10 का वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।